రాష్ట్రంలో కాళేశ్వరం బిగ్గెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ బ్లండర్ అన్నారు కేంద్ర మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్. గొప్పలు చెప్పిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కుంగిపోయిందన్నారు. కేసీఆర్ పార్టీ పేరు మార్చి దేశ రాజకీయాలు చేద్దాం అనుకుంటే ఆయన కూతురు లికర్ స్కామ్ తో జాతీయ స్థాయి వార్తల్లో నిలిచారని విమర్శించారు. టీఎస్పీఎస్సీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కాదు పరివార్ సర్వీస్ కమిషన్ అని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ గ్యారంటీలు సక్సెస్ అవ్వడం లేదన్నారు అనురాగ్ ఠాకూర్. मित्रों जब तेलंगाना का राज्य बना भारतीय जनता पार्टी में उस समय सांसद था मैंने पार्लियामेंट में देखा क्या क्या नजारे हुए कांग्रेस ने क्या क्या ड्रामे रचे सोनिया गांधी जी की भूमिका क्या थी इसलिए कांग्रेस कभी सत्ता में यहां पर नहीं आ पाई तेलंगाना में कांग्रेस चाहती नहीं थी कि तेलंगाना बने कांग्रेस केवल ड्रामा रचना चाहती थी लेकिन कितने लोगों की जान गई जिसमें मेरे युवा भाइयों की जान गई है उसका खून कांग्रेस के हाथ पर है खूनी पंजा है कांग्रेस का जो युवाओं ने जान दी तेलंगाना बनाने के लिए आप पार्टी का नाम बदल सकते हो बीआरएस कर सकते हो लेकिन भ्रष्ट चेहरा अपना छिपा नहीं सकते अपने परिवार के भ्रष्टाचार को केसीआर छिपा नहीं सकते हैं यह युवाओं से किया गया वायदा कि 1,00,000 रोजगार देंगे अरे 10 साल बीत गए ना रोजगार दिया ना 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता दिया कमेटी आपने बनाई कमेटी ने रिपोर्ट दी फिर आपने कहा 80,000 रोजगार देंगे कहां गए केसीआर को जवाब देना होगा बेटी और बेटे को बचाने और अपनी भ्रष्टाचार को बचाते बचाते आप यहां तक पहुंच गए कि जब तेलंगाना में भी आपका पेट नहीं भरा तो अपने परिवार के सदस्य बेटी को दिल्ली भेज दिया शराब घोटाले में जिनका नाम आता है कविता जी का वहां के उप मुख्यमंत्री जेल चले गए सांसद जेल चले गए इनका नंबर भी आएगा कोई बचेगा नहीं जो जो शामिल है उनका एक एक करके नंबर आएगा और इस घोटाले के किंग पिन केजरीवाल जी को समन जा चुके हैं नोटिस जा चुका है और मैं कहना चाहता हूं कालेश्वरम प्रोजेक्ट बड़े सपने दिखाए थे केसीआर ने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट आप कल्पना कीजिए 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला अरे किसानों ने क्या उम्मीद करके आपको वोट दिया था सिंचाई से लेके पानी तक के लिए आपको क्या क्या नहीं मिला लेकिन कालेश्वरम में आज जहां पर किशन रेड्डी जी हमारे गए हैं मेडिगड्डा में वहां पे क्या हुआ जमीन धसनी शुरू हो गई बांध धसना शुरू हो गया क्या पैसे की इतनी भूख थी केसीआर को इनके अधिकारियों को इनके नेताओं को कि किसानों के लिए बनने वाला ये बांध देश प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए बांध उसमें भी 1,000,000 करोड़ रुपए की लूट हो गई क्या केसीआर चुप रहेंगे कि जवाब देंगे और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और चौंकाने वाले शॉकिंग फैक्ट्स उसके माध्यम से बाहर आए एंड दैट रिवील्स अ लॉट ऑफ थिंग्स that the world's biggest engineering blunder happened in the Kaleshwaram project at Medigada. Annaram, Kannepalli, आपको सारे नाम ये कोई बांध से नहीं घोटाले के नाम से याद आएंगे और ये घोटाले का किंग पिन कौन है मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं ये वो व्यक्ति है जो अपने फार्म हाउस में रहता है और तेलंगाना की सरकार चलाकर लूट करता है ये दो पार्टियां ऐसी हैं कांग्रेस और बीआरएस जो लूट की खुली छूट जिनके सत्ता में आकर केवल लूट लूट और लूट की जाती है तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक होता है 3,00,000 युवाओं के साथ छल किया जाता है धोखा किया जाता है और ये लीक के माध्यम से करोड़ों रुपए कौन कमाता है इसका जवाब केसीआर को देना ही होगा प्रदेश